नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरडीएस न्यूज लाइव। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के फॉर्म के बारे में। जी हाँ, वैसे स्टूडेंट जो इस बार आईटीआई करना चाहते हैं और अभी तक किसी कारणवश से एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए मैं ये अच्छी खबर लाया हूँ। जी हाँ, जो आईटीआई फॉर्म भरने का जो डेट है वो फाइनली बढ़ा दिया गया है। इसी मैटर पर हम आज बात करेंगे और बताएंगे इस वीडियो में कि जो डेट है कब तक बढ़ाया गया है, कब तक लास्ट फी पेमेंट का डेट है और फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट क्या है। साथ ही फॉर्म करेक्शन, अगर किसी तरह की गलती हो जाती है तो फॉर्म करेक्शन करने का जो डेट है तो वो कौन सा डेट है, उसके बारे में बात करें। चलिए तो आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, जो पहले जो डेट था वो 5/4/2022 से, यानी अप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था 5/4/2022 से था, और इसका जो लास्ट डेट था वो था 2/5/2022। और फी पेमेंट करने की बात करें तो फी पेमेंट करने का जो तिथि था 3/5/2022 तक ही था। और इसके साथ ही बात करें करेक्शन की, तो करेक्शन करने का जो डेट था 4/5 से लेकर के 7/5 तक, यानी 4 मई से लेकर के 7 मई के बीच में सुधार करने का डेट आया था। ठीक है, साथ ही मैं एडमिट कार्ड की बात करूं, एडमिट कार्ड ये नया जो डेट है, नया डेट आया है। देखिए, यहाँ जो नया डेट है डेट को बढ़ा देगा। अप्लीकेशन लास्ट डेट है जो 17 मई 2022 तक, यानी आप जो है 17 मई तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जी हाँ, 17 मई तक जो है डेट बढ़ा दिया गया है, 17 मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही मैं लेट फी पेमेंट की बात करूं तो आप 18/5/2022 तक, यानी 18 मई तक जो है आप फी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बात करूं करेक्शन डेट की, करेक्शन अगर कोई फॉर्म में कोई तरह की गलती हो जाती है तो आप 19 मई से लेकर के 21 मई के बीच में आप जो है फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड का जो अभी डेट नहीं आया है और ना ही एग्ज़ाम का डेट आया, जैसे ही एग्ज़ाम का डेट और एडमिट कार्ड का डेट आता है तो मैं नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया। दोस्तों, पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।